वो दिन गए जब महिलाएं घूंघट में रहकर घर का काम किया करती थीं और पुरुष बाहर जाकर पैसे कमाते थे, बल्कि आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, या यूं कह सकते हैं कि पुरुषों से ज्यादा काम करती है। घर के काम को करने के बाद बाहर आकर अपने पति के काम में हाथ बटाना ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ इसी तरीके से अपने पति के कामों में हाथ बटा रही हैं मनोरमा देवी। नालंदा जिला के एस्पेन आए तो जेडीबी मेंस कॉलेज में फोटो पोस्टर जानते हैं ना, पोस्टर लगा के बेचते थे, फिर वहाँ से उससे भी गुजारा नहीं हुआ तो फिर ये काम किया। कमाने के लिए निकल गए तो कपड़ा क्या देखना है, लत्ता क्या देखना, कपड़ा देखेंगे तो बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तक जिंदगी है जब तक काम करते रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। वैसे तो सभी महिलाएं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और ज़िंदगी जीने का तरीका जानती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सुपर वुमेन होती हैं। सुपर वुमेन इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि घर को संभालने के साथ साथ बाहर निकलकर भी काम करती हैं और अपने बच्चों को पालती हैं। कुछ वही सुपर वुमेन हैं यहाँ पर मेरे साथ जिनसे मैं बातचीत करने वाली हूँ। इको पार्क के गेट नंबर 1 पर इनका ये चाट का दुकान है जो अभी आप कैमरे के ज़रिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा चाट का दुकान, तो ये इनका अमृत चाट हाउस है जो ये चलाती हैं। सुबह सुबह यहाँ आ जाती हैं, देर शाम तक यहाँ रुकती हैं और इसी से जो कमाई होती है उससे अपना घर चलाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोरमा देवी। मनोरमा जी, कब से ये काम कर रही हैं? 8 साल से। 8 साल हो गए। तो पहले मतलब घर पे काम करती थी, पहले आप हाउस वाइफ थी, फिर ये करने लगी, कैसे मतलब शुरुआत? कुछ दिक्कत आने लगा, मतलब कि 4 बच्चे हैं तो कुछ पढ़ाने लिखाने में कपड़ा लत्ता में दिक्कत होने लगा तो हमको करना पड़ा। कहाँ की रहने वाली है? नालंदा जिला के। नालंदा से फिर शादी पटना में हुई? नहीं, हम यहाँ रेंट पर रहते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब पटना कैसे आना हुआ? पटना मेरे पहले हस्बैंड आए, हस्बैंड आए तो जेडीबी मेंस कॉलेज में फोटो पोस्टर जानते हैं ना, पोस्टर लगा के बेचते थे, फिर वहाँ से उससे भी गुजारा नहीं हुआ तो फिर ये काम किए, फिर ये वाला शुरू किया जी। तो फिर पूरी फैमिली आप यहाँ पे आई? हाँ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। और बच्ची है? नहीं, बच्ची तो छोटी है, 2 को शादी कर दिए, मैरिज कर दिए, 2 को। अच्छा, 2 अभी है, छोटा छोटा है। और बेटा क्या करता है? बेटा 4 साल का, नहीं बोले सर कि नहीं सुनता है वो, सुनाई नहीं देता। नहीं, 8,30,000 रुपये लगा ऑपरेशन कराने में। 8 लाख रुपये लगे? हाँ। तो कैसे ये सब मैनेज किए आप? कैसे, किसी से ले के कर्जा उधारी करके कमाएंगे तो देंगे, किससे सहारा मांगे, कौन देगा, अपने आप में कर रहे हैं। कितनी कमाई होती है पूरे दिन में? अभी खा पी के बराबर हो रहा है और क्या, उसी से कुछ गुजारा हो जाता था। अभी कितना मतलब 500-600? खा पी के 300 रुपये बच जाता है। 300? तो मतलब सुबह में घर पे काम करना फिर यहाँ आना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, रात के सोते हैं तो लगता है कि अब उठे नहीं, थक जाती है। थक जाता है। वैसे सुबह कितने बजे उठना पड़ता है आप? 5 बजे। 5 बजे उठ जाती है? फिर सारा घर का काम जी। यहाँ कितने बजे आती है? यहाँ 11:30-11 बजे। 11:30-11 बजे तो रात में कितने देर तक? 7 बजे यहाँ से चल जाते हैं, फिर घर में जाके घर का काम। घर का काम पति हाथ बटाते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा हाथ बटा लेते हैं। और बच्ची लोग हेल्प करती थी पहले? हाँ, बच्ची लोग हेल्प करती है, पढ़ाई लिखाई भी उसका है तो उसको पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसका पढ़ाई लिखाई सबको पढ़ा रही थी जी। कौन सी क्लास में है सर? 2 तो BA फाइनल करके उसको मैरिज कर दिए, और ये अबरी जो है जो इन अथी देंगे, ये MIT का एग्ज़ाम देंगे फरवरी में, फरवरी हो या मार्च हो, जो में परीक्षा है तो उसमें देंगे। तो मतलब चाहती हैं कि वो लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े? हाँ, आगे पढ़े लिखे। लेकिन ये आइडिया मतलब कैसे आया कि आप भी बाहर आकर, क्योंकि तो होता है ना जनरली लड़कियाँ बाहर निकल कर काम नहीं करती। नालंदा जिला में मेरा खेती बाड़ी कुछ नहीं है, हम रोज कमाना है, रोज खाना है, तो वहाँ गुजारा नहीं हुआ तो फिर यहाँ आके कमाने खाने लगा। यहाँ भी बोले कि फोटो पोस्टर बेचते थे, उसमें गुजारा नहीं होने लगा तो फिर हमको ये सब आता था तो हम कर लिए। अच्छा, ये पहले से जानती थी? हाँ।
कहाँ सीखा था? वहीं बगल में चाट का दुकान था, तो हम छत पर से देखते रहते थे तो हम सीख गए। अच्छा, मतलब दूर दूर से देख कर ही? हाँ। बगल में आपके मतलब कोई चाट वाट का दुकान करते थे, वो कैसे बनाते हैं वो देख? कैसे बनाते थे, क्या करते थे, तो हम सब सीखते थे, तो फिर बनाने लगे। और तब आइडिया आया कि बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। बहुत एक मतलब एक महिला है आप, रोड पे ऐसे बेचना थोड़ी बहुत दिक्कत होती है? पहले तो कुछ शर्म हया लगता था कि कैसे जाए, कैसे कपड़ा होगा या नहीं होगा, मगर अब नहीं लगता है। अब नहीं लगता, जब कमाने के लिए निकल गए तो कपड़ा क्या देखना है, लत्ता क्या देखना, कपड़ा देखेंगे तो बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो कब पता चला आपको कि बच्चा जो है ऐसा है, फिर ऑपरेशन कराने? 6 महीने का हुआ ना, तो मतलब कि उसको मतलब ताली उली बजाते थे ना, तो नहीं मुंडी इधर करता था नहीं इधर करता था, तो उसको PMCH ले गए। PMCH ले गए तो वहाँ का डॉक्टर बोला ना कि जो मुँह का आवाज़ ठीक है और कान का आवाज़ आप जा सकते हैं IGMS। तो वहाँ गए तो बोला कि 4400 रुपये जाँच में लगेगा, तो फिर कराएं वहाँ पर कराएं तो बोला कि बच्चा नहीं सुनता है, जब बच्चा में इतना इतना खर्चा लगेगा, तो फिर पैसा के इंतजाम में लग गए। तो छोटा रकम तो है नहीं, है तो बहुत बड़ा रकम, तो 2.5 साल लग गया पैसा के इंतजाम करते 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 करते, तो जाके कराया हूँ। बोला कि छोटा ही में होना चाहिए, तो 4 साल के हो गया बच्चा। तो आपसे किसी से मांग करके इधर उधर से कर करके कुछ खेती बाड़ी था बेच बाच के किए। और मनोरमा देवी जी के जो हस्बैंड हैं वो भी मेरे साथ हैं छोटे लाल, इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने जो ये काम शुरू किया है और उनकी पत्नी जो उनका हाथ बताती हैं, कैसा लगता है आपको? पूरा सहयोग कर? अगर अगर सहयोग ना यहाँ मिलेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे पटना ऐसा टाउन में, समझे? सहयोग के अनुसार से 4 बच्ची के बाप बन करके किराया के मकान में रहना, यही सब लाचारी है। तो ये पूरा मतलब घर पे भी काम करती हैं? आप भी काम? हाँ, तो घर में काम करके ही के नहीं, हाँ करके बनाते बेचते हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं इतनी अच्छी वाइफ मिली? नाम अच्छा लगता है, दोनों मिलकर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो अभी आपने अमृत चाट हाउस देखा, उसको चलाती हैं मनोरमा देवी और ख़ुद से ये सब कुछ देखती हैं। और सुपर वुमन मैंने पहले इसीलिए कहा था क्योंकि घर को मैनेज करना, बाहर निकल कर के काम करना, कमाई करना और फिर अपने बच्चों को पालना, और इनका भी सपना बस यही है कि जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उनकी भी मदद ये नहीं लेती हैं, खुद ही सारा काम करती हैं। और यहाँ पे आकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ इसी तरीके से चाट बेचते हैं। तो अगर आप इको पार्क आते हैं तो यहाँ पर आकर इनका चाट खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाइजीनिक है। मैं भी जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा बिल्कुल साफ़ सुथरा और हर सफाई का चीज़ का ध्यान रखती हैं मनोरमा देवी, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे चाट वो खिला सकें। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।